फॉर्मूला 1 कार्स में लगे हुए ये विंग्स हाई स्पीड पे इतना ज्यादा डाउनफोर्स जनरेट करेंगे कि रेस ट्रैक पे इस गाड़ी का फ्लोर घिसेगा। लेकिन अगर ये विंग्स को डायरेक्टली सस्पेंशन सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा तो ये दिक्कत नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द अनस्ट्रंग एरोडायनामिक्स। अभी तक सारे गाड़ियों में विंग्स को डायरेक्टली गाड़ी के आउटर बॉडी या फिर चेसी पे लगाया जाता है, बेसिकली द स्प्रंग मास ऑफ द व्हीकल, और इसीलिए हम इन्हें स्प्रंग एरोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। ये बुक पढ़ी होगी तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि गाड़ी की फ्रेम और पूरी पावर ट्रेन के वेट को हम स्प्रंग मास में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन सारे पार्ट्स को सस्पेंशन सिस्टम सपोर्ट करेगा। और इसीलिए जब भी ये स्प्रंग एरो विंग्स डाउनफोर्स जनरेट करेंगे, वो पहले तो गाड़ी के चेसी को नीचे दबाएगा, जिसकी वजह से सस्पेंशन की स्प्रिंग्स कंप्रेस होगी, जो फिर व्हील को रोड के साथ दबा के रखेंगे। मतलब डाउनफोर्स इतना बढ़ेगा कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा और गाड़ी के अंडर बॉडी ट्रैक पे घिस सकती है। अब हम इंजीनियर्स डेफिनेटली इस मैक्सिमम डाउनफोर्स की वैल्यू को कंसीडर करके ही सस्पेंशन में स्टिफर स्प्रिंग यूज करेंगे, सो दैट वो इजीली कंप्रेस ना हो। लेकिन फिर इस वीडियो का टॉपिक बिगड़ जाएगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने नहीं मिलेगा। और इसीलिए अगर इन विंग्स को गाड़ी के चेसी पे ना लगाए और डायरेक्टली सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर लगाएंगे तो सारी परेशानी मिट जाएगी। दैट्स अनस्ट्रंग एरोडायनामिक्स। क्योंकि जितने भी पार्ट सस्पेंशन सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, लाइक द विशबोन, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर्स, ब्रेक्स एंड व्हील्स, इनको हम अनस्ट्रंग मास में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इन्हें सस्पेंशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। और विंग्स को डायरेक्टली सस्पेंशन सिस्टम के साथ जोड़ेंगे तो इनकी वजह से जितना भी डाउनफोर्स जनरेट होगा वो डायरेक्टली व्हील के ऊपर लगेगा और गाड़ी की चेसी नीचे नहीं दबेगी, बेसिकली उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होगा। अब क्योंकि अनस्ट्रंग विंग्स की वजह से डाउनफोर्स चेसी पे नहीं लग रहा है, मतलब गाड़ी की अंडर बॉडी डैमेज नहीं होगी और साथ में सस्पेंशन की स्प्रिंग्स भी कंप्रेस नहीं होंगे, मतलब हम सॉफ्टर स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं। अब अगर अनस्ट्रंग विंग्स के इतने फायदे हैं, तो फिर फॉर्मूला 1 कार्स में इसे यूज क्यों नहीं किया जाता? एक्चुअली बरसों पहले ऐसे विंग्स को मैट्रा MS-10 में यूज किया था, लेकिन दूसरे कंस्ट्रक्टर्स ने प्रोटेस्ट करके इसे बैन करवाया था। अब ये अनस्ट्रंग विंग्स स्ट्रेट में तो अच्छा खासा डाउनफोर्स जनरेट करेंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी को कॉर्नर में मोड़ा जाएगा तब मामला बिगड़ेगा, क्योंकि कॉर्नरिंग के वक्त गाड़ी में वेट ट्रांसफर होगा, लीडिंग द कार टू रोल, व्हिच विल कॉज द सस्पेंशन टू मूव, जिसके साथ ये विंग का एंगल भी चेंज होगा। ऊपर से इस विंग पे लगने वाला डाउनफोर्स इसे नीचे दबाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये विंग उस व्हील को नीचे दबाने की कोशिश करेगा जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, thus acting like an anti-roll bar. And if this wing is not made strong enough to withstand all of these forces, then it will definitely break. दूसरी बात ऐसी कि ये विंग अनस्प्रंग मास बढ़ाएगा, और जिन्होंने भी सस्पेंशन सिस्टम के डिजाइन में काम किया है एंड ऑफ कोर्स ये बुक पढ़ी है, तो उन्हें ये पता होगा कि जितना अनस्प्रंग मास ज्यादा होगा उसका रिस्पांस टाइम भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब सस्पेंशन सिस्टम रोड की इरेगुलरिटीज को तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इसकी वजह से रोड के सारे शॉक्स डायरेक्टली चेसी पे ट्रांसमिट होंगे, स्पॉइलिंग द एंटायर राइड क्वालिटी। सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि इन विंग्स को सस्पेंशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, इनके कनेक्शन में लिंकेजेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अब रियर विंग को रियर सस्पेंशन के साथ जोड़ने में ज्यादा झंझट नहीं होगा, लेकिन फ्रंट विंग को फ्रंट सस्पेंशन के साथ जोड़ने के लिए दो दो बेल क्रैंक यूज होंगे, विच एक्चुअली मेक्स द एंटायर डिजाइन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और अभी तक हमने अनस्प्रंग एरोडायनामिक्स से राउंड इफेक्ट जनरेट करने की कोई बात ही नहीं की, बिकॉज दैट वुड बी इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऐसे अनस्प्रंग विंग्स का एक ही ऐसा बड़ा एडवांटेज है कि जितने भी डिसएडवांटेजेस है उनको ओवरकम किया जा सकता है बाय यूजिंग लाइटर एंड स्ट्रेंथियर मटेरियल लाइक कार्बन फाइबर। और भले ऐसे विंग्स को हम फॉर्मूला 1 कार्स में अब नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसे विंग्स को हम डेफिनेटली स्टूडेंट फॉर्मूला कार्स में यूज कर सकते हैं। इंडिया के स्टूडेंट टीम्स तो ऐसे विंग्स इंप्लीमेंट नहीं करते, मे बी बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, एंड साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन में टॉप स्पीड को लिमिटेड रखा जाता है, लेकिन बाहर की टीम्स ऐसी विंग्स जरूर इंप्लीमेंट करते हैं। अब फॉर्मूला 1 की टीम्स काफी भयंकर और वियर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट वो अपने पावर ट्रेन में डिफरेंशियल्स के अंदर बेवल गियर्स यूज बिल्कुल नहीं करते। साइज कम करने के लिए वो अपने डिफरेंशियल में स्पर गियर यूज करते हैं, जिसके वर्किंग के बारे में आपको जानना चाहिए बाय वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM।